स्ट्रक्चर से क्या मतलब? पहला पहली चीज क्या आती है दिमाग में आप लोगों के, बताएं भाई। हु आर इन द क्लास? अल्फिया, हिना, मुगीरा, हर्षिता, अदनान, अबू, अफान, धनंजय, अदनान, मोहम्मद अहमद, नईम अशर एंड सुप्रियो पॉल एंड मोहम्मद राजपुरा। स्ट्रक्चर्स बेसिकली होते क्या हैं? ठीक है, हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, ओके, हु इज दिस? निशांत, ओके। कोई भी चीज देखें, स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सम कंपोनेंट्स, व्हेन दे आर कंबाइंड, कंपोनेंट्स, ठीक है सर, वो ज्योमेट्रिक शेप होते हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिक शेप होते हैं। अच्छा जी, अच्छा, ज्योमेट्रिक शेप होते हैं। अच्छा, कैसे ज्योमेट्रिक शेप होते हैं? कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स और लिंक्स, लिंक्स, जॉइंट टुगेदर, टुगेदर, टुगेदर इन सच अवे, सच अवे दैट दे रेजिस्ट, रेजिस्ट दी मोशन ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये कंपोनेंट्स होते हैं या लिंक्स होते हैं, ठीक है, लिंक को कह सकते हैं कि छोटा कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट टाइप, ठीक है, इट कैन बी अ मेटेलिक रॉड, बार और समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कुछ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जॉइंट टुगेदर, दे आर जॉइंट टुगेदर इन सच अ वे दैट दे रेजिस्ट द मोशन ऑफ ईच अदर, दे रेजिस्ट द मोशन ऑफ ईच अदर। ठीक है, दे रेजिस्ट द मोशन ऑफ ईच अदर। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि एक दूसरे को भागने, इधर उधर भागने नहीं देते, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी की बात करें या किसी भी एनिमल बॉडी, जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, तो उनका स्केलेटन जो होता है, स्केलेटन ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स, स्केलेटन ऑफ ह्यूमन और एनिमल, ठीक है, वो भी एक स्ट्रक्चर का ही काम करता है भाई। आपके मसल्स को इधर उधर, या आपके ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को इधर उधर जाने नहीं देता, उनको एक क्या नाम है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, आपकी बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि घर बनते हैं, ठीक है, घर बनाए जाते हैं या ब्रिज बनाए जाते हैं, ठीक है, ब्रिज बनाए जाते हैं, तो उनमें कुछ छोटी कुछ लिंक्स, ठीक है ना, कुछ कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं एंड दे आर यूज्ड इन सच अ वे दैट एक दूसरे को इस तरीके से ज्वाइन किया जाता है। बेसिकली वो लॉग, लकड़ी के लट्ठे या आयरन रॉड्स ही तो होती हैं, ठीक है, बट उनको इस तरीके से डिजाइन के, मतलब इस तरीके से आपस में जोड़ करके रखा जाता है कि वो पूरे के पूरे, पूरे के पूरे सिस्टम को मूव नहीं करने देते, ठीक है ना। और जिस तरीके से आप ज्वाइन करते हैं उस को हम स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना। यू कैन सी इट इन दिस एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक वेयर हाउस टाइप का है, ठीक है, तो इसको लकड़ी और क्या नाम है, आपके आयरन लॉग, वुडन लॉग को इस तरीके से फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, जो स्ट्रक्चर मिल रहा है उसको एकदम रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, रिजिडिटी, ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, रिजिड स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है ना। ये इसको पूरे सिस्टम को मूव नहीं करने देता, मोशन नहीं करने देता एंड इट अलाउज टू बियर द लोड, बियर द लोड, लोड लगा सकते हैं आप इस पे, ठीक है ना, लोड लगाने पे या फोर्स लगाने पे ये
स्ट्रक्चर इधर उधर नहीं भागेगा, ठीक है ना। ब्रिजेस का, ब्रिज के एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ब्रिजेस कैसे बनाए जाते हैं, आपने रेलवे ब्रिजेस और पुराने ब्रिजेस देखे होंगे, अभी भी जो नए ब्रिजेस हैं उनमें भी आपने ये ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा। ये स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है, ये भी एक ब्रिज का ही एक स्ट्रक्चर है, ब्रिज ही है, ठीक है। सो दे आर मेड, ठीक। तो एनीथिंग, एनीथिंग जो कि आपका जिसमें आपके कंपोनेंट्स को इस तरीके से ज्वाइन किया गया है कि वो लोड लगाने पे उनका मूवमेंट या मोशन ना हो, ठीक है ना, उसके मूवमेंट को रोक, इस तरीके से ज्वाइन किया गया है कंपोनेंट्स को कि लोड लगाने पे उनका मोशन ना हो, ऐसे सिस्टम्स को स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये सब पतली पतली रॉड्स और ये सब लगी हुई है, ठीक है। आप चाहें तो भाई प्लेट भी लगा सकते हैं, ठीक है, प्लेट जिस तरीके से, ठीक है। आपकी जो बड़ी बड़ी इमारतें दिखती हैं, दीज आर ऑल्सो स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो पतली रॉड्स दिख रही हैं सिर्फ इन्हीं को इस तरीके से जोड़ करके बनाने पे ही आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। यू कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल और शेप्स, ठीक है ना, ठीक है। ज्योमेट्रिकली कितने भी डिफरेंट टाइप के शेप्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लेट्स यूज कर सकते हैं, एनीथिंग, ठीक ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो हु विल टेल मी व्हाट इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से आप क्या समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर से क्या समझ रहे हैं, बताएं भाई, अभी भी नहीं बता पाएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चर्स, आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, थक गए क्या आप लोग? हाँ, ये आप लोग क्लास करते करते सो गए? नहीं नहीं सर, सुबह सोए थे। नहीं सुबह सोए थे, अच्छा तो सर, अभी तो रिप्लाई करें भाई। आपको क्या समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर? क्या रिप्लाई नहीं करेंगे या सोए नहीं है, ये रिप्लाई कर रहे निशांत? हाँ ओके, आप देने ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग सोए नहीं है। ओके ठीक है, कमिंग टू स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो आपके जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सब के सब स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जितनी भी किसी भी तरीके का आपके घर पे टेबल वगैरह, चेयर वगैरह, वो भी अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एनीथिंग दैट सपोर्ट्स लोड एंड डू नॉट मूव इज अ स्ट्रक्चर। आपके बाइक, बाइक या ऑटोमोबाइल, कोई भी व्हीकल, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर वो तो मूव कर सकते हैं, ठीक है, वो तो मूव कर सकते हैं, तो वो तो स्ट्रक्चर कैसे हुए, ठीक है। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो आपकी व्हीकल है, व्हीकल है ये जो व्हीकल का कंपार्टमेंट वाला हिस्सा है, ठीक है, वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। बाकी जब आप उसमें व्हील और इंजन लगा देते हैं तो व्हील मूव करता है, व्हील मूव करता है, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट इज माउंटेड ऑन द व्हील्स, ठीक है ना। तो वैगन जो है आपका पूरा का पूरा व्हील्स पे है, तो वो उसके व्हील के साथ मूव करता है, ठीक है ना। बट इफ यू रिमूव द व्हील एंड यू पुट इट ऑन द फ्लोर, इट वॉन्ट मूव, ठीक है, इट वॉन्ट मूव ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड, ठीक है ना, इट विल नॉट मूव, ठीक है। अरे बात समझ में, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रक्चर कई टाइप के होते हैं भाई, ठीक है। बेसिकली हमें दो टाइप के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। एक बेसिक क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर्स का। फर्स्ट एग्जाम्पल इज टू फोर्स मेंबर, टू फोर्स मेंबर, टू फोर्स मेंबर, ठीक है। एंड द अदर वन इज मल्टी फोर्स मेंबर, ठीक है। टू फोर्स मेंबर से क्या मतलब है, देखिए जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ किसी ना किसी कई सारे एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है ना, कई सारे एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। सो इफ लेट्स से वन एलिमेंट, अगर किसी एक एलिमेंट पे, हर एलिमेंट पे सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, एफ एंड एफ, ठीक। इफ ओनली
two forces are acting on an element, on an element of a structure, on an element of a structure, ठीक है, then that if only two forces are acting on every element, ठीक है ना, हर element पे, structure के हर element पे अगर सिर्फ और सिर्फ दो forces लग रहे हैं, ओनली टू फोर्सेस, ठीक है, टू फोर्सेस ओनली, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे भाई, उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, टू फोर्स मेंबर एंड सच टाइप ऑफ टू फोर्स मेंबर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ट्रस, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रस, ठीक, ये बात आ रही समझ में आप लोगों को, इफ on every element of a structure, if on every element of a structure there is only two force acting, ठीक है ना, if there is only two force acting on the every element of the structure, then that structure is called two force member and one of such type of structure is truss. Truss is इसका plural है, ठीक है, plural प्लूरल है, ठीक है, एंड ट्रस इज दी सिंगुलर, ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को ट्रस कहते हैं, ट्रस कहते हैं, ठीक है, ट्रस, एंड इफ द स्ट्रक्चर इज हैविंग, इफ द स्ट्रक्चर इज हैविंग मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, देन दैट हैव मैनी क्लासिफिकेशन and one of them is क्या कहेंगे उसे, मल्टी फोर्स मेंबर कहेंगे, एंड वन ऑफ द मल्टी फोर्स मेंबर का क्लास एग्जाम्पल है फ्रेम, फ्रेम, ठीक है, फ्रेम्स, ठीक है, फ्रेम्स, ठीक, इफ यू आर हैविंग मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर, देन यू आर हैविंग, you are having it, you are having a multi-force member, multi-force members, and one of the examples in which the there is multi-forces acting, multi-forces acting on members of the elements, elements of the structure is frame, ठीक है ना, frame, ठीक है, जैसे ये आपको example में दिखा हुआ है कि bike का जो एक ये frame है, ठीक है, you can see कि वेट अ मिनट, समबडी इज मैसेजिंग मी कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, हु इज दिस, ओके, रमजान शेख, ओके, ठीक, कहाँ थे भाई, ठीक है, सो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज शोन इन हियर कि आपका ये बाइक सॉरी साइकिल है, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है, यू कैन सी इट इज द फ्रेम, ठीक है, एंड यू कैन सी दैट दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द फ्रेम, ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द फ्रेम, यू कैन सी ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, एंड दिस इज वन एलिमेंट, दिस इज अनदर एलिमेंट, ठीक है, और ये एक एलिमेंट हो गया, इसी तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो देर आर सम ऑन सम एलिमेंट्स, ऑन सम एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल दिस वन, यू कैन सी कि इस पे बहुत सारे फोर्सेस तो लग रहे होंगे, बहुत सारे फोर्सेस तो लग रहे होंगे, ठीक है, साथ साथ में आप देखेंगे कि ये जो व्हील है, जहां पे पेडल व्हील है, ठीक है, पेडल व्हील जहां पे चेन स्प्रॉकेट लगा हुआ है, चेन एंड स्प्रॉकेट का जो सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर आपको फोर्सेस के साथ साथ क्या टॉर्क भी मिलेगा, टॉर्क भी मिलेगा, ठीक है, सो फोर्सेस तो लग ही रहे थे, साथ साथ में टॉर्क भी लग गया, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट मल्टी फोर्स मेंबर, बिकॉज देर आर मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पर्टिकुलर मेंबर, पर्टिकुलर मेंबर, ठीक है, here is one more example of this, कि आपका
क्रेन आपने देखी है, ठीक है, तो इन क्रेन यू कैन हैव डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द क्रेन एंड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स यू आर हैविंग डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द क्रेन, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो अ मल्टी फोर्स मेंबर, ठीक है, मल्टी फोर्स मेंबर। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि बाइक वगैरह या कार वगैरह की चैसी जो होती है जो कि एक फ्रेम होता है, ठीक है, एक फ्रेम होता है। आपने अगर देखा होगा कि जो तो फैब्रिकेशन स्टील एल्यूमिनियम की प्लेट वगैरह सब कुछ हटा दीजिए तो आपको एक बड़ा सा ऐसा सिंपल सा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। ये अगर आप डायग्राम ऐसे मैं बना नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट गुड एट इट, इसको आप बस ये समझ लीजिए कि यू हैव द फ्रेम। आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले उसका एक फ्रेम तैयार होता है, ठीक है ना, उसको उसके ऊपर फैब्रिकेशन वगैरह देखी होगी, ठीक है। अब एक चीज आपसे, ये चीज आप लोगों ने एक बहुत कॉमन एग्जांपल इलेक्ट्रिक जो दूर डिस्टेंट जो ये बिजली के खंभे टाइप के होते नहीं है, जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज जो लाइंस होती हैं उसमें जो स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तैयार होता है। कुछ अगेन आई एम नॉट मेकिंग इट करेक्ट, कुछ ये स्टारफिश बन गया मेरे ख्याल से। हाँ कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे, ठीक है। आप लोगों ने मोबाइल टावर्स देखे हैं, ठीक है, वहां पर भी आपने जो स्ट्रक्चर्स देखे हैं वो जो मोबाइल टावर्स जो होते हैं उसमें भी आपने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा कि पतली पतली रॉड्स लगी होती हैं, उनको आड़ा तिरछा जोड़ करके वो स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है मेरा सवाल ये है कि अगर उसकी जगह सीधे सीधे एक पूरा मेटल का एक पोल ही क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, लंबा सा एक पोल खड़ा कर दिया जाए और उस पे आप अपने रेडियो क्या नाम है ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स लगा दें, ठीक है, या फिर जो बिजली के तार हैं जो ट्रांसमिशन लाइन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, तो उनके लिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाने से अच्छा है कि एक सिंपल सा एक मेटल का एक खंभा लगा दिया जाए, पोल लगा दिया जाए और उसके ऊपर से हम इलेक्ट्रिसिटी वायर्स डाल दें, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ये क्यों करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स क्यों तैयार करते हैं, कोई बता सकता है? आप लोगों ने सारी बातें बता दी, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो नहीं बताई आप लोगों ने। अंसारी अब्दुल रहमान, यू वांट टू से समथिंग? देखिए, सीधे सीधे पूरा का पूरा मेटल का बनाने से एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर अगर आप सॉलिड बनाएंगे, ठीक है, तो आपकी मेटल कॉस्ट बहुत ज्यादा जाएगी, ठीक है ना, मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा जाएगी, ठीक। एक चीज किसी ने बोली थी कि हैवी स्टॉर्म, ठीक है, ठीक, ये भी बात सही है आप लोगों की, ठीक है, कि अगर आंधी तूफान आया तो एयर रेजिस्टेंस जो है इसका कम है, ठीक है, बनिस्बत इसके एयर रेजिस्टेंस जो है इस स्ट्रक्चर का कम है, क्योंकि एयर आसानी से पास हो सकती है इसके बीच से, इस स्ट्रक्चर के बीच से एयर बहुत आसानी से पास हो सकती है, ठीक है, और स्टेबल होता है, ये भी बात सही है आप लोगों की, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और कुछ किसी ने कुछ बताया था,
ठीक है, तो ये चीजें, ये बात है कि एक तो मटेरियल कॉस्ट कम हो जाती है, दीज आर एरोडायनेमिकली वेरी स्टेबल, एरोडायनेमिकली वेरी स्टेबल, एंड क्या नाम है, ये दे आर वेरी स्ट्रांग ऑल्सो, एरोडायनेमिकली स्टेबल तो है ही, साथ साथ में दे आर वेरी स्ट्रांग एंड रिजिड, रिजिड, ठीक है, रिजिड, ठीक। सो ये है हमारे स्ट्रक्चर्स की बात, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स का ऊपर ऊपर का डिस्कस कर लिया हमने। अब मेन स्ट्रक्चर्स के जो क्लासिफिकेशन थे, अब सीधे ट्रस पे आते हैं, ठीक है ना, ठीक। ट्रसेस क्या होते हैं, ट्रसेस क्या होते हैं, ठीक, ट्रसेस, ट्रस और ट्रसेस, ठीक। ट्रस का एग्जाम, ट्रस क्या होते हैं भाई, कौन बताएगा, ट्रस क्या होते हैं, ट्रस ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके हर एलिमेंट पे, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके हर एलिमेंट पे, हर एलिमेंट जो है वो टू फोर्स मेंबर हो, टू फोर्स मेंबर हो, ठीक है, टू फोर्स मेंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपको एक ट्रस का एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, दिस इज अ ट्रस, टू फोर्स स्ट्रक्चर, टू फोर्स मेंबर, ये तो स्ट्रक्चर तो सब मिला के बनता है ना, स्ट्रक्चर तो सब सभी मेंबर्स को मिला करके आप बनाएंगे स्ट्रक्चर, ओ क्या नाम है, स्ट्रक्चर, ठीक है। हर मेंबर जो है, ठीक है ना, जैसे आप इसको अगर देखें ध्यान से, तो देयर इज व्हाट, वन एलिमेंट, टू एलिमेंट, थ्री एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, या फिर आप इसको एलिमेंट की जगह मेंबर भी कह सकते हैं, मेंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर, सिक्स, ठीक है ना, इस तरीके से आप ये काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स और मेंबर्स इन दिस पर्टिकुलर ट्रस, ठीक है ना, और हर मेंबर पे, हर मेंबर पे सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस ही लगेंगे, ठीक है, ये पूरा मिला करके एक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये पूरा मिला करके एक स्ट्रक्चर बना रहा है, और हर इस स्ट्रक्चर के हर मेंबर या हर एलिमेंट पे दो फोर्सेस ही लगेंगे, ओनली टू फोर्सेस, ठीक है। अच्छा ठीक, इतनी बार समझ में आ रही है, यस सर नो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे, कौन है भाई, फैजान अंसारी, तो ये होते हैं भाई हमारे स्ट्रक्चर, ट्रसेस, ट्रसेस, ठीक है, ट्रसेस का ये काम। अच्छा अब इसमें ध्यान देना है, हाँ कोई कुछ कह रहा है क्या, नो, ट्रसेस में एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अभी ये इस पे कुछ, अभी आपने इस पे जो ट्रसेस दिखा रखे हैं, इस पे कोई लोड वगैरह नहीं लग रहा, लोड वगैरह नहीं लग रहा, ठीक है। इफ यू अप्लाई सम लोड ऑन दिस, इफ यू अप्लाई सम लोड ऑन दिस, ठीक है, यहां कहीं आपने लगा दिया, ओके। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, ठीक है, एक बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, वो ये कि आप कभी भी लोड, ठीक है ना, ट्रसेस के केसेस में, ट्रस के केस में आपका जो लोड लगेगा, जो लोड लगेगा वो कहां लगेगा भाई, कहां लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स पे, ठीक है, जॉइंट्स पे ही लगेगा, जो लोड लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स पे, मतलब एक्सटर्नल लोड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक्सटर्नल लोड जो आप लगाएंगे, ठीक है, एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड जो आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट पे लगेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये एक मेंबर था और इसके बीच में आपने एक लोड लगा दी, नो नो, जैसे ही आप ये करेंगे ये ट्रस किस में बदल जाएगा, ट्रस किस में बदल जाएगा, फ्रेम में, ठीक है, फ्रेम में बदल जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये क्योंकि टू फोर्स मेंबर रह ही नहीं जाएगा, टू फोर्स मेंबर रह ही नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि जॉइंट पे कोई ना कोई फोर्स आएगा, ठीक है, और हर मेंबर का कम से कम दो जॉइंट्स तो होंगे, ठीक है, तो हर जॉइंट पे एक 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 फोर्स, तो दो फोर्स तो यही जॉइंट्स पे ही हो गए, ठीक है, और एक तीसरा आपने यहां लगा दिया, ठीक है, तो जैसे ही तीन मेंबर हुए तो ये मल्टी फोर्स मेंबर में कन्वर्ट हो गया, तो ये ट्रस रह ही नहीं जाएगा, ठीक है, दिस विल नॉट बी अ ट्रस, ठीक। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ट्रस में हमेशा जो भी एक्सटर्नल लोड लगेगा वो जॉइंट्स पर ही लगेगा, वो जॉइंट्स पर ही लगेगा, ठीक है, क्लियर है ये बात, ये बात आप लोगों को याद रहेगी, यस और नो,
ओके नाउ बात ये बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा ओके अब आपको एक चीज ये समझनी है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर या ट्रस आपको दिख रहा है, ओके 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 गुड, ये जो स्ट्रक्चर या ट्रस आपको जो दिख रहा है इसके हर एलिमेंट को एनालाइज कैसे करें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑलवेज सी कि ये जैसे ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना, लेट से दिस इज ए दिस इज बी, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ट्रस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लेट से जैसे ये ए बी है, ए बी एलिमेंट जो है हमारा, ठीक है, जो लोड लगेगा या जो फोर्सेस लग रहे होंगे ट्रस के एलिमेंट्स पर, ठीक है ना, ट्रस के मेंबर्स पे जो लोड लग रहे होंगे वो कहां पे लगेंगे, अलोंग दी जो इंटरनल फोर्सेस होंगे अलोंग दी मेंबर लगेंगे, अलोंग दी मेंबर, टेंसाइल भी हो सकते हैं, टेंसाइल भी हो सकते हैं और कॉम्प्रेसिव भी हो सकते हैं, कॉम्प्रेसिव भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक ठीक है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये तो आप एक्सटर्नल लोड तो आप दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन जब आप एक एक मेंबर की, जैसे ये ए बी था ए बी, ठीक है, तो ये जॉइंट स्पेस पे कुछ रिएक्शंस लगेंगे, रिएक्शन फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। अगर आप ए बी एलिमेंट की बात करें तो देयर विल बी सम फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट, ठीक है, ठीक। इफ यू कट दिस ए बी इन टू पार्ट्स, ठीक है ना, कहीं पे आप इसको, ये ए बी था, ठीक है, ये ए बी है, इसको यहां से कट करिए, ठीक है, तो यू विल सी कि इस पे एक फोर्स लग रहा हो, सॉरी ठीक है ए, ठीक, तो यू विल फाइंड कि एक फोर्स जो कि कुछ ऐसा है, कुछ फोर्स लग रहा होगा इस पे, अगर ये इस तरफ लग रहा है, ठीक है। सो इट विल बी, देयर विल बी ऑलवेज अ फोर्स एक्टिंग अलोंग द मेंबर ऑफ द फोर्स, ठीक है ना, अलोंग द मेंबर ऑफ द फोर्स हमेशा लगेगा, हमेशा लगेगा, ठीक है, ठीक। एंड दैट कैन बी टेंसाइल और कंप्रेसिव इन नेचर, ठीक है, दैट कैन बी टेंसाइल और कंप्रेसिव इन नेचर, ठीक, ओके। ये बात, इतनी बात यहां तक समझ में आ रही है कि ट्रस के मेंबर्स में देयर विल ऑलवेज बी सम फोर्सेस विल बी एक्टिंग अलोंग द मेंबर ऑफ द फोर्स, अलोंग द मेंबर ऑफ द फोर्स, ठीक है, अलोंग द मेंबर ऑफ द फोर्स, ठीक। अच्छा ये तो बात हो गई, ये समझ में आ रही है, ठीक। अब कुछ चीजें ध्यान देते हैं कि जैसे ये पॉइंट है ए, ठीक है, ठीक, दिस इज ए पॉइंट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। अगर हम पॉइंट ए की बात करें, पॉइंट ए की बात करें तो देयर विल बी सम फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट, एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट, वो कौन कौन से फोर्सेस होंगे ये आपको एनालाइज करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी, यू कैन सी व्हाट इज दिस, अ हिंज सपोर्ट या पिन जॉइंट, तो ये पिन जॉइंट की वजह से कुछ रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर आप पॉइंट ए को एनालाइज करें तो पिन जॉइंट की वजह से कुछ रिएक्शन होगा, आर वी वर्टिकल एंड आर एच, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ओके, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक। एंड एक बात आपको बताई थी क्या, कि जो ट्रस के मेंबर्स होते हैं उसके अलोंग एक फोर्स जरूर लगता है, उसके अलोंग एक फोर्स जरूर लगता है, तो ए बी की वजह से, ए बी की वजह से एक फोर्स इस पॉइंट पे अलोंग ए बी लगेगा, अलोंग ए बी लगेगा, ठीक है। एंड वन फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग ए सी, ठीक है ना, ये हो गया एफ ए बी एंड दिस इज एफ ए सी, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है, नो, यस सर। इस पॉइंट पे किसी को कोई दिक्कत है?
ये चीज किसी को ऐसा कुछ है जो इसमें ना समझ में आई? यस और नो, टेल मी। बताएं भाई। अंडरस्टूड, ओनली वन रिप्लाई। नो, राजेश्वरी, अल्फिया, हिना, मुबाशिरा, मुगीरा, हर्षिता, अदनान, अम्मार, अबू अफान, फैजान। समझा सर, समझ में आई ये बात? ओके, ठीक है भाई। और बाकी लोग भाई रिप्लाई करते रहा करें ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं सिर्फ फालतू तो नहीं बोल रहा। ओके गुड, ठीक है। नाउ सिमिलरली यू कैन सी, ओके इट इज द मैक्सिमम जूम। ओके थैंक यू फॉर योर काइंड रिप्लाईज। ओके ठीक गुड। सो अब देखिए, अब किसी भी जॉइंट को, ठीक है ना, अब आप हर जॉइंट पे आप ऐसे ही एनालिसिस कर सकते हैं, ऐसे ही एनालिसिस आप हर जॉइंट पे कर सकते हैं, ठीक है। क्या कि यहां पर आप देखें भाई, यहां पर अगर आप पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी पे कुछ फोर्सेस लग रहे हूं भाई। हाँ सिंपल सी बात है, पॉइंट बी की अगर एनालिसिस करें तो पॉइंट बी पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो अलॉन्ग ए बी कुछ लग रहा है भाई, ठीक है, अलॉन्ग ए बी, ठीक है, दैट विल बी एफ ए बी, ठीक है, एंड वन विल बी एक्टिंग अलॉन्ग दिस, ठीक है ना, दिस इज एफ ए डी, ठीक है, सॉरी बी डी, सॉरी माय बैड, एफ बी डी, एफ बी डी। नाउ वन फोर्स विल बी एक्टिंग अलॉन्ग दिस, वन फोर्स विल एक्टिंग अलॉन्ग दिस, यस ओके ठीक ठीक है, एंड यू कैन नेम इट एफ बी सी, ठीक है, एफ बी सी, ठीक। और कोई फोर्स लगेगा? नो, और कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि बस यही यहां पर, और कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हर मेंबर, हर जॉइंट पे आप नंबर ऑफ फोर्सेस आपको पता है, नंबर ऑफ फोर्सेस पता है, ठीक है। अब ये कोई ना कहते कि सर आपने तो कहा था कि मेंबर पे कितने सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो अगर एनालाइज किया तो यहाँ तीन फोर्सेस हो गए, और यहाँ एनालाइज करेंगे तो चार फोर्सेस आ जाएंगे, ठीक है, चार फोर्सेस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बात है भाई, ये जॉइंट पे आपके नंबर ऑफ फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा था, एलिमेंट पे जो आपका मेंबर है, ठीक है ना, जो जिससे ट्रस्ट बना हुआ है उसके मेंबर, एवरी मेंबर इज हैविंग, एवरी मेंबर इज हैविंग क्या, ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, एंड ऑल दीज फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है ना। यहां पर अगर एफ ए बी लग रहा है तो यहां पर भी एफ ए बी ही लगेगा, ठीक है ना, इसके अलोंग, ठीक है, इसके अलोंग, ठीक है। तो ये जॉइंट पॉइंट की बात हो रही है, जॉइंट पे आपके हो सकते हैं, लेकिन मेंबर की बात करें तो मेंबर पे सिर्फ एक ही, दो ही फोर्स लगेंगे, दो ही फोर्स लगेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है यहां तक? इतना क्लियर है? यस और नो? ठीक, चलिए भाई, ओके। नाउ यहां पर जो आपको देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रस्टेस आपको दिखा रखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रस्टेस आपको दिखा रखे हैं, ठीक है। दीज आर वेरी कॉमनली यूज ट्रसेस, ठीक है ना, कहीं ब्रिजेस में, कहीं पे, कहीं कई जगह पे आप इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं, इस टाइप के डिजाइन को इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें से ज्यादातर आपने देखे हैं, एक तो ये बहुत कॉमन है, ये वाला स्ट्रेस डिजाइन, एंड दिस वन, वेयर यू हैव सीन दिस, रेलवे ब्रिजेस, रेलवे ब्रिजेस आपने देखे होंगे, ये वहां बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, ठीक। सो अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी जो क्रेन्स होती हैं, क्रेन्स जो होती हैं, ठीक है, या स्टेडियम की लाइटिंग वगैरह जो होती है, ठीक है, या स्टेडियम का स्ट्रक्चर जो होता है, वो वहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ओवरहंग स्ट्रक्चर टाइप का आपको
देखने को मिलेगा, ओवरहंग स्ट्रक्चर टाइप देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ट्रसेस, कॉमन ट्रसेस, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक बात आती है सिंपल ट्रस की, सिंपल ट्रस की, सिंपल ट्रस क्या होते हैं, ठीक है, सिंपल ट्रस क्या होते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो है, पहली कंडीशन जो है क्या, कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, ठीक है ना, कोई भी स्ट्रक्चर हो, अगर आप उस पर लोड लगाएं, अगर आप उस पर लोड लगाएं तो वो कोलैप्स नहीं करना चाहिए, कोलैप्स नहीं करना चाहिए या मोशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो आपको फिगर ए जो दिख रही है, इसमें आप अगर देखें तो अगर आपने, ये स्ट्रक्चर की कैटेगरी में नहीं आएगा, स्ट्रक्चर की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपने यहां पे अगर फोर्स लगाया, सो दिस लिंक विल मूव, दिस लिंक विल मूव, ठीक है ना, और मूवमेंट होते ही स्ट्रक्चर का तो पूरा काम ही बिगड़ गया भाई। स्ट्रक्चर का काम था मोशन को रेजिस्ट करना, ठीक है, लोड के एप्लीकेशन पे, और ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की कैटेगरी में ही नहीं आया, ट्रस की तो बात ही छोड़ दीजिए, ट्रस की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है, ट्रस की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक। सो व्हाट यू हैव टू सी इज कि आपका जो सिंपल ट्रस की बात करते हैं, पहले तो ट्रस होना चाहिए, ट्रस होने की पहली कंडीशन क्या है, सभी मेंबर्स जो है वो टू फोर्स मेंबर होने चाहिए, टू फोर्स मेंबर्स, ठीक है, टू फोर्स मेंबर, एंड देन इफ यू कैन सी नंबर ऑफ मेंबर्स अगर आप काउंट करें, दिस इज 1, 2 एंड 3, इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये जो जितने भी एलिमेंट्स आपको लाइंस दिख रही हैं, दीज आर नोन एज मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ द ट्रस और द स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड दीज आर दी जॉइंट्स, दीज आर दी जॉइंट्स, ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, जॉइंट्स कहलाते हैं, जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स कहलाते हैं। सो इफ एम इज द नंबर ऑफ, एम इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, 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 एंड एन इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स, joints, joints, then for a truss to be a simple truss, किसी भी truss को simple truss की category में आने के लिए ये condition satisfy करनी जरूरी है, m is equal to, जो कि ये लिखी हुई है इधर, m is equal to 2n-3, 2n-3. If any truss which is satisfying this equation, that is number of members is equal to twice of the number of joints, number, sorry, one thing I have, okay, इट इज उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, दिस इज नंबर ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड दिस इज नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक, नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। नाउ दिस इज करेक्ट, सही था ना सर, वही कैसे बताइए, वेट अ मिनट, लेट मी चेक, सर वही सही था, पुराने वाला था,
मिनट, लेट मी क्रॉस चेक इट। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके गुड, ठीक है सही है सही, ओके ठीक है सही है। मेंबर्स एंड दिस इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स, ठीक है जॉइंट्स ठीक। ठीक नाउ दिस इज द केस एंड यू कैन सी, क्या ये आपका क्या है, थ्री मेंबर्स ट्रस्ट है, थ्री मेंबर ट्रस्ट है। यू कैन सी नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर दिस केस इज थ्री एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स इज थ्री, सो यू कैन सब्स्टिट्यूट थ्री इज इक्वल टू टू इंटू थ्री माइनस थ्री, ठीक है। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दैट मीन्स इट इज अ सिंपल ट्रस्ट, सिंपल ट्रस्ट ठीक है, सिंपल ट्रस्ट ठीक। एंड similarly you can see this one, this one, what, how many number of elements, number of members is 1 2 3 4 5, so m is equal to 5 and number of joints 1 2 3 4, theek hai, so 2 into 4 minus 3, 5 is equal to 5, yes it is satisfying the condition of the simple truss, simple truss theek hai, simple truss ki condition satisfy kar raha hai, ठीक है क्लियर है बात, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करें, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर है स्टैटिक मेंबर रहता है, स्टैटिक मेंबर रहता है ठीक ठीक है सही है भाई ठीक है, स्टैटिक मेंबर स्टैटिक कंडीशन में रहता है। सो स्टैटिक कंडीशन में अगर स्ट्रक्चर है, अगर कोई स्ट्रक्चर पूरा का पूरा स्टैटिक कंडीशन में है, उसका मतलब क्या है कि उसके कंपोनेंट्स, मतलब उसका हर एक मेंबर भी, हर एक मेंबर भी जो होगा वो भी स्टैटिक कंडीशन में होगा, ठीक है वो भी स्टैटिक कंडीशन में होगा ठीक है, एवरी मेंबर ठीक है। तो स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते वक्त आपको ये बात याद रखनी है क्या, कि स्ट्रक्चर का हर एलिमेंट, स्ट्रक्चर का हर एलिमेंट भी स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, दैट मींस इट विल सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम और प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स को सेटिस्फाई करेगा, एंड व्हाट इज दैट, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन एम जेड इज इक्वल टू जीरो, ये तीन चीजों को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तीन इक्वेशन तब लगेंगे जब हम 2D केस की बात करेंगे, एंड यू हैव, यू विल बी हैविंग सिक्स इक्वेशंस व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट, 3D केस ठीक है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2D तक ही है ठीक है, 2D तक ही है, तो हम सिर्फ इसी पे स्टिक करेंगे ठीक है। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि जब आप स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे, स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे, सो यू हैव टू कीप द एवरी एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम ठीक है, इन इक्विलिब्रियम। नाउ ठीक है ओके, कमिंग टू एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट को, ट्रस्ट की एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं, एंड व्हाट आर दोज मेथड्स, व्हाट आर दोज मेथड्स, फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ जॉइंट्स, एंड सेकेंड वन इज
मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन, सेक्शन ठीक है, मेथड ऑफ। साउंड लग रहा है सर, मतलब समझ नहीं आया। क्या लग रहा है, साउंड लग रहा है, हो रहा है क्या है, क्या लैग हुआ? हो रहा है सर, लैग लैग। अच्छा लैगिंग हो रही है, ओके। इज इट फ्रॉम माय, लेट मी चेक, इज इट फ्रॉम माय एंड? नो नहीं। अच्छा लैग हो रहा है, ओके। प्लीज चेक एंश्योर योर इंटरनेट कनेक्शन एक्चुअली, बिकॉज सबके साथ हो रहा है क्या ये इश्यू? अब चल रहा है, अच्छा ओके। थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देर आर टू मेथड्स टू एनालाइज स्ट्रेस, एनालाइज स्ट्रेस। तो पहली चीज तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो ट्रस या स्ट्रक्चर की जो एनालिसिस है, ट्रस या स्ट्रक्चर की जो एनालिसिस है, इसमें आप क्या करते हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं? इसमें स्ट्रस या स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर रहे हैं तो हम इसमें करना क्या चाहते हैं, कोई बताएगा? एक्चुअल में हमारा एम क्या है ट्रस और स्ट्रक्चर की एनालिसिस करने में, एम क्या है, व्हाट इज आवर एम, करना क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, कोई बताएगा? सर, सारे मेंबर्स का फोर्स इंडिविजुअली कैलकुलेट करके उनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यस, समवॉट करेक्ट, कि हम इस, हमारा एम क्या है कि जितने भी ट्रस या स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर की जब एनालिसिस करते हैं तो हमें हर मेंबर के अंदर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना हमारी हमारा मेन मोटिव है, मेन मोटिव है, ठीक है। जब हमें ये पता लग जाए कि पर्टिकुलर ट्रस में, पर्टिकुलर मेंबर में इतना फोर्स लग रहा है, तो देखा होगा कि आपने सारे मेंबर एक साइज के नहीं होते, सारे मेंबर एक साइज के नहीं होते, जिसमें ज्यादा फोर्स लग रहा होता है उसको थोड़ा सा हैवी बनाया जाता है, थोड़ा सा हैवी बनाया जाता है, बट जिसमें कम फोर्स लग रहा होता है उसको हम थोड़ा सा हल्का बनाते हैं, हल्का बनाते हैं, ठीक है, हल्का बनाते, ठीक है, ठीक। तो दिस इज वाई, दिस इज आवर एम टू फाइंड द फोर्सेस इन एवरी एलिमेंट और एवरी मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है ना, चाहे वो ट्रस हो चाहे फ्रेम हो, ठीक है, ठीक। अच्छा अब इसको फाइंड करने के तरीके हैं, ठीक है ना, मेथड ऑफ जॉइंट से पहले तो, ठीक। सो मेथड ऑफ जॉइंट्स में क्या है, बहुत सिंपल है ये, बट चलिए बट की बात बात करेंगे, पहले हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट्स देखते। मेथड ऑफ जॉइंट्स में ट्रस की एनालिसिस करने से पहले, ट्रस की एनालिसिस करने से पहले, फिर से अटक रहा है सर। सो निशांत, इट्स इट इज आई थिंक दिस इज फ्रॉम योर साइड एक्चुअली। हाँ आई कैन चेक माय इंटरनेट स्पीड एक्चुअली, ओके। राइट नाउ आई एम गेटिंग 82 Mbps, ठीक है, आई एम यूजिंग लैन, ठीक। सो इधर से तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठीक है। सो प्लीज चेक, आप ऐसी जगह पे देखिए जहां पे थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू ना हो, ठीक है, ठीक। ओके मलिक ओके, फैसल। मलिक फैसल, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट योर इंटरनेट स्पीड, आपका तो लैग नहीं हो रहा है, नेटवर्क फुल है। देखिए नेटवर्क फुल होना निशांत एंड इंटरनेट स्पीड, वो था डिफरेंट थिंग्स, ठीक
ठीक है, यू माइट गेट द नेटवर्क बट यू माइट नॉट बी गेटिंग द इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट सर्विस, ठीक है, ओके। चलिए कोई बात नहीं, अब इस पे तो मैं नहीं कह सकता कि क्या क्या इसका सलूशन तो मैं यहां से नहीं दे सकता ना। हाँ सर क्लास, अच्छा ठीक, ओके। सो चाहे आप कोई भी मेथड यूज करें, चाहे मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज करें, चाहे आप मेथड ऑफ सेक्शंस यूज करें, सबसे पहला काम जो आपको करना है, सबसे पहला काम आपको जो करना है वो कोई भी स्ट्रक्चर होगा आपका, कोई भी स्ट्रक्चर होगा, जैसे ये था आपका, ये ट्रस है, तो यहां पर आपको दिखेंगे क्या, सपोर्ट, सपोर्ट, तो सपोर्ट पे कुछ रिएक्शंस आएंगे, सपोर्ट पे कुछ रिएक्शंस आएंगे, ठीक है, सपोर्ट्स पे कुछ रिएक्शंस आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड दी रिएक्शंस, ठीक है, चाहे मेथड ऑफ सेक्शंस यूज कर रहा हूं, चाहे आप मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो हाउ विल यू फाइंड दी रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस, रिएक्शंस फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है, वही पहले तो आप बताइए कि किस पे कितना रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहां पर पिन जॉइंट था, पिन जॉइंट सॉरी रोलर जॉइंट था, रोलर सपोर्ट था, तो रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। एंड लेट अस सपोज कि यहाँ पे हिंज जॉइंट या पिन जॉइंट था, तो यू हैव अ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स आर एच एंड वर्टिकल फोर्स आर वी, ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन, सॉरी वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। एंड इट इज शोइंग दैट देर इज एन एक्सटर्नल फोर्स दैट इज पी, एक्सटर्नल फोर्स पी आपका पॉइंट डी पे लग रहा है, पॉइंट डी पे लग रहा है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप होल एज अ स्ट्रक्चर देखेंगे, इस स्ट्रक्चर का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहला काम यही करना है कि इस स्ट्रक्चर का एज अ होल आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स दिखाने और रिएक्शन एट सपोर्ट दिखाना, ठीक है, रिएक्शन एट सपोर्ट दिखाना, ठीक है। एंड अप्लाई द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड समेशन एम जेड इज इक्वल टू जीरो। हेलो, यस यस, एनीवन, हु इज समबडी सेइंग समथिंग, नो, ठीक है। तो पहला काम तो आपको रिएक्शंस निकालना है, तो आप समेशन एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका समेशन लेकर के उसको जीरो कर दीजिए, तो उससे आपका एक रिएक्शन निकल आएगा। इन दिस पर्टिकुलर केस आर एच विल बी जीरो, इन दिस पर्टिकुलर केस आर एच विल बी जीरो, ठीक है। एंड नाउ यू फाइंड यू कैन हैव एफ वाई, एफ वाई के लिए एफ समेशन एफ वाई का अगर आप देखें तो यू हैव व्हाट आर वी प्लस आर वी बी, ठीक है, आर वी बी, ठीक है, एंड दिस इज आर वी ए कह लेते हैं, ए सबस्क्रिप्ट, एंड माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई। अब किसी एक पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले लीजिए, मोमेंट ले लीजिए, चाहे ए के अबाउट ले लीजिए, चाहे डी के अबाउट ले लीजिए, चाहे सी बी के अबाउट ले लीजिए, चाहे सी के अबाउट ले लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है, एंड यू पुट द मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, मोमेंट इज इक्वल टू जीरो अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, एनी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले लीजिए और उसको जीरो कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिएक्शंस निकाल लेंगे, रिएक्शंस निकाल लेंगे, यू विल गेट सेकेंड इक्वेशन, एंड दिस इज हाउ वन इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सॉल्व करके, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप पहले क्या करेंगे, रिएक्शंस निकाल लेंगे, ठीक है। जब रिएक्शंस आ जाएंगे, रिएक्शंस आ जाएंगे, तो ये दोनों ही काम आपको मेथड ऑफ जॉइंट्स के लिए भी करना है और मेथड ऑफ सेक्शंस के लिए भी करना है, ये बात आप हमेशा याद रखिए कि मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शंस में रिएक्शन फाइंड करने का जो काम है वो कॉमन है, वो सेम है, ठीक है। दिस इज हाउ यू फाइंड द रिएक्शन, ठीक है। एंड नाउ अब बात करते हैं मेन मेथड ऑफ जॉइंट्स की, मेथड ऑफ जॉइंट्स, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है क्या, आप एक एक जॉइंट की एनालिसिस करेंगे,
इफ यू सी क्या यहां पे कितने जॉइंट्स हैं, यहां पे आपके तीन कितने जॉइंट्स हैं, जॉइंट ए, जॉइंट सी, जॉइंट डी एंड जॉइंट बी, ठीक है। यू आर हैविंग फोर जॉइंट्स, ठीक है। तो अब आपको हर जॉइंट की एनालिसिस अलग अलग करनी, हर जॉइंट की एनालिसिस अलग अलग करनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जॉइंट ए की बात करें, तो जॉइंट ए की बात करें, ठीक है, तो जॉइंट ए, लेट से दिस इज द पॉइंट जॉइंट ए, तो आप देखेंगे जॉइंट ए पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। जब आप देखेंगे तो यहां पर आर एच जो है वो जीरो था, ठीक है, तो आर एच तो खत्म हो गया भाई। अब यहां पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ठीक, आर वी ए, ठीक है, और एक फोर्स और लग रहा है, कौन सा, आर नहीं एफ ए, सॉरी एफ ए डी, ठीक है, एफ ए डी, एफ ए डी अलोंग दिस मेंबर, अलोंग ए डी, ठीक है। और इसी तरीके से आपका एक फोर्स लग रहा है एफ ए सी, एफ ए सी अलोंग ए सी, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि डायरेक्शन आप क्या मानते हैं, इधर मानते हैं कि इधर मानते हैं, किधर भी मान लीजिए, किधर भी मान लीजिए, ठीक है, हम इस डायरेक्शन में मानते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में मान लिया हमने, ठीक। तो आपकी डायरेक्शन, ये तीन फोर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है। अब ये एक जॉइंट हो गया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर है भाई, स्ट्रक्चर का हर पॉइंट, जब स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिक कंडीशन में, तो उसका हर पॉइंट, ठीक है ना, हर पॉइंट, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे जॉइंट हो, सारा का सारा पॉइंट, सभी पॉइंट्स किसमें होंगे, वो भी स्टैटिक कंडीशन में ही होंगे। तो यहां पर भी आप क्या लगा दीजिए, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और समीशन एम जेड इज इक्वल टू जीरो। नो, अब यहां पर आपको ये नहीं लगाना है, ठीक है, अब आपको यहां पर ये नहीं लगाना, ठीक है। यू हैव टू जस्ट अप्लाई दीज टू इक्वेशंस, दीज टू इक्वेशंस, दीज टू इक्वेशंस ओनली, ठीक है, ठीक। सो आप देख सकते हैं क्या, आप रिजॉल्व कर लीजिए। लेट अस सपोज कि ये कुछ एंगल थीटा बना रहा था, तो ये इसकी डायमेंशन से आप पता कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ आपको दे रखी होंगी, ठीक है, लेट से एल वन एल टू, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एल टू अपॉन एल वन, एल टू अपॉन एल वन, तो थीटा आपका निकल आएगा, तो ये थीटा आपका निकल आया, तो ये आप सीधे यहाँ थीटा रख दीजिए, तो ये क्या हो गया, एफ ए बी, ए सॉरी ए सी, एफ ए सी, ठीक, ये क्या हो गया, एफ ए सी, ए सी साइन थीटा, एफ ए सी साइन थीटा, एंड दिस इज एफ ए सी कॉस थीटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक, एंड ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका एफ ए डी लग रहा है। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में आप फोर्सेस बैलेंस कर लिए, यू विल गेट टू इक्वेशंस, टू अननोन्स, एंड यू कैन सॉल्व देम, यू कैन इजिली सॉल्व देम, यू कैन इजिली सॉल्व देम। इसी तरीके से आप अलग अलग जॉइंट्स पे जाइए, अलग अलग जॉइंट्स पे जाइए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एट दिस जॉइंट अगर आप सी की बात करें, सी की बात करें, ठीक है, तो सी पे आपको क्या दिखेगा भाई, सी पे आपको क्या दिखेगा, यू कैन सी एट सी, एट पॉइंट सी यू विल बी हैविंग, यू विल बी हैविंग व्हाट, अ फोर्स अलोंग, अ फोर्स अलोंग, लेट मी चेंज द कलर, अ फोर्स अलोंग एफ सी डी, ठीक है ना, ठीक है, इसके अलोंग, ठीक है, इसके अलोंग, और एक फोर्स आपको मिल रहा होगा कहां पर, अलोंग ए सी, अलोंग ए सी, अलोंग ए सी, ठीक है। और इसी तरीके से आपको एक फोर्स किधर मिल रहा होगा, अलोंग सी बी, अलोंग सी बी, ठीक है, ठीक, अलोंग सी बी, दिस इज एफ ए सी एंड दिस इज एफ
बी सी, एफ बी सी, ठीक है। एंड यू कैन इजिली, हाँ यस यस, ठीक है। सो दिस इज हाउ आप हर जॉइंट पे फोर्सेस को बना सकते हैं, फोर्सेस को आप बनाएंगे एंड देन यू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम, फोर्स इक्विलिब्रियम समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल, ठीक है। सो यू कैन सी कि यहां पर आपको एफ ए सी जो है पहले इस जॉइंट से आपको मिल चुका है, इस जॉइंट से आपको मिल चुका है, इस जॉइंट के एनालिसिस से आपको एफ ए सी मिल चुका है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, एफ बी सी एंड एफ सी डी, एफ सी डी, ठीक है। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स जो है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, हर मेंबर में निकालने के लिए आपको फोर्स निकालने के लिए थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि आपको स्टार्ट शुरू से करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक सपोर्ट से स्टार्ट करना होगा, एनालाइज करना होगा हर जॉइंट को। सो इट इज अ वेरी टिपिकल, वेरी लेंदी मेथड, लेंदी मेथड, ठीक है ना। सो देर इज वन मोर मेथड ऑफ मेथड ऑफ सेक्शंस, ठीक है। मेथड ऑफ सेक्शंस पे प्रोसीड करने से पहले एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लें इस पे तो ज्यादा बेहतर है, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि ऐसा ना लगे आपको कि सब क्या गायब कर दिया सर ने, हाँ सर, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड कि पहले आप इस प्रॉब्लम को रीड करें, पहले आप इस प्रॉब्लम को रीड करें एंड ट्राई टू फाइंड द रिएक्शंस, ट्राई टू फाइंड द रिएक्शंस, रिएक्शंस फाइंड करें, रिएक्शंस एट बी एंड सी, ठीक है, रिएक्शंस एट बी एंड सी। यस क्या हुआ, एनी इशू, किसी ने रिएक्शन निकाला क्या, सर एफ ए बी 5√3 न्यूटन और एफ ए सी 5 न्यूटन। अच्छा ओके ओके, मैंने आपसे पहले पूछा रिएक्शन निकालने को ना, ये दीज रिएक्शंस वो तो बाद में निकलेंगे, फोर्सेस इन ए बी एंड ए सी एंड बी सी ये तो बाद में निकलेंगे, ठीक है। लेकिन पहला काम हमारा क्या है, रिएक्शंस निकालना, ठीक है, प्रॉब्लम में रिएक्शंस निकालना। कोई और जिसने निकाला हो, अल्फिया, मुबशिरा, हर्षिता, तूबा, अदनान, अमार, अमार एंड अबू अफान, निशांत, धनंजय, अदनान, मोहम्मद अहमद, मोमिन अतवान, नईम अशर एंड मोइन शेख। आर यू पीपल ट्राइंग टू सॉल्व दिस?
सर, सो टेल मी व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ द रिएक्शंस एट बी एंड सी दैट यू आर गेटिंग. बी और सी पे आपको क्या वैल्यू मिल रही है रिएक्शन सर सही है ना, वही तो है, क्या बोलते वो बी 5√3 और ये सी, सी पे इधर एक की तरफ रिएक्शन 5 न्यूटन, की? और अच्छा वो ठीक है. दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करो तो 10 भी आ रहा बराबर। ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है. ओके किसी और ने सॉल्व किया है क्या? नो. ओके लेट्स ट्राई इट. देखिए पहली बात क्या कही थी कि ये डायरेक्टली यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ही दे दिया है, सिंपल एक ट्रस का, थ्री एलिमेंट थ्री मेंबर ट्रस का. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज सबसे पहले होल ट्रस के लिए हम लोग बात करते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं आर बी एंड दिस इज आर सी. ठीक है, आर बी एंड आर सी. ठीक, एफ एक्स तो जीरो है भाई पहले से ही. ठीक है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें दिख नहीं रहा, सो एफ एक्स इज ऑलरेडी जीरो. एफ एक्स इज ऑलरेडी जीरो. नाउ कमिंग टू समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो. तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको कितने फोर्सेस दिख रहे हैं? तीन फोर्सेस. ठीक है, सो यू हैव आर बी प्लस आर सी माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, दिस इज इक्वेशन वन. नाउ यू हैव टू टेक दी डू दी मोमेंट्स इज इक्वल टू जीरो समेशन एन. अब ये आपके ऊपर है कि किस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लेना चाहते, किस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लेना चाहते. ठीक है ना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि अबाउट व्हाट पॉइंट यू वांट टू टेक द मोमेंट. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ तो इफ वी टेक द मोमेंट अबाउट, ओके ठीक है, इफ यू टेक द मोमेंट अबाउट बी, लेट अस से किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लीजिए, आंसर में गलती नहीं होगी. ठीक है, ठीक है, अबाउट बी लीजिए. ठीक है, सो मोमेंट अबाउट बी लेते हैं एंड वी पुट इट इक्वल टू जीरो फॉर इक्विलिब्रियम. तो पहली चीज तो हमें हर फोर्स की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, हर फोर्स की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी. ठीक है, सो इफ यू लुक एट इट, क्या है भाई ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री. ठीक है, ठीक है, ठीक, 60 एंड 30, 90 और ये 90. ठीक, तो ये 5 मीटर्स है, तो ये कितना हो गया? 5 cos 30. cos 30 इज √3/2. इसी तरीके से ये हो गया आपका 5/2, 5/2. नाउ यू हैव दिस. यहां से एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें. ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें. ठीक, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इस फोर्स और इस पॉइंट बी के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यही तो है. ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, 5, हाइपोटेनस 5 है, तो बेस कितना हो गया? 5/2 × cos 60 एंड इट इज 5/4. ठीक है, 5/4. ठीक, एंड फॉर सी आर सी दिस फोर्स, इस फोर्स के लिए बी से कितनी डिस्टेंस है? 5. ठीक है, बी से कितनी डिस्टेंस है? 5. तो व्हेन यू टेक द मोमेंट, तो 10 किलो न्यूटन की वजह से अबाउट दिस पॉइंट इज मोमेंट इज काउंटर क्लॉक क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होगा, माइनस टेन इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस? 5/4, 5/4. ठीक है, एंड ड्यू टू आर सी, ठीक है ना, आर सी की वजह से ये अबाउट बी, अगर आप मूवमेंट लेने की कोशिश करेंगे तो इट विल ट्राई टू रोटेट दिस अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिवली हमने आर सी इंटू फाइव इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, सो यू गेट आर सी इंटू फाइव, सो आर सी इज इक्वल टू
इंटू 5/4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5। एंड आर बी इज इक्वल टू वॉट? अब आप इसको यहां पे इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में। ठीक है, सो दिस विल बी 7.5 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। ठीक है, आप लोगों का स्क्वायर रूट रूट 3 कैसे आ रहा था? हाँ, सर वो उसको रिजॉल्व किए थे जो ए पे लग रहा ना, हाँ उसको बी के अच्छा। अलोंग और सी के अलोंग रिजॉल्व। अरे अभी तो कुछ करना ही नहीं था, यही चीज तो करनी थी ना, कि ये बताया ना कि अभी आपको कुछ नहीं करना था। ठीक है, अभी आपको कुछ रिजॉल्व वगैरह कुछ करना ही नहीं था, यू जस्ट हैड टू अप्लाई द इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑन द होल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस होल स्ट्रक्चर पे, सॉरी, इस होल स्ट्रक्चर पे आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करनी थी। ठीक है, समेशन एफ एफ एक्स समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन एम जेड इज इक्वल टू जीरो करना, बस बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, क्लियर? नहीं आ रही बात समझ में? ठीक, नाउ अब आपके पास रिएक्शन एंगल की वैल्यू ली थी, एंगल की वैल्यू गिवन है, यू डू नॉट हैव टू अज्यूम एनीथिंग। ठीक है ना, ये एंगल की वैल्यू गिवन है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, कमिंग टू, अब आपको हर मेंबर में निकालना है फोर्स। ठीक है, तो अब हर एक जॉइंट को आप अलग अलग एनालाइज करना शुरू करिए, अलग अलग एनालाइज करना शुरू करिए। ठीक है, अलग अलग एनालाइज करना शुरू करिए। ठीक, सो अगर आप देखेंगे जॉइंट ए की, ए की बात करते हैं, ठीक है ना, ए पे तो सॉरी ए की सॉरी माय बैड बी। ठीक है, तो बी पे अगर बात करें, जॉइंट बी पे, ठीक है, सो एक तो आपका वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है आर वी, ठीक है, आर वी। ठीक है, दूसरा एक फोर्स लग रहा है, अगर हम एलिमेंट एलिमेंट बीसी की बात करें, ठीक है ना, बीसी की बात करें, तो बीसी एलिमेंट पे अगर हमने माना कि बीसी एलिमेंट पे फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, ठीक, बीसी एलिमेंट पे फोर्स इधर लग रहा है, कैसा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, एफ बी सी। ठीक है, तो ये बी सी एलिमेंट जो है वो इस जॉइंट पे कैसा फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, एफ बी सी, ठीक है, एफ बी सी, ठीक, एफ बी सी, ठीक है, ठीक। और यू कैन अज्यूम व्हाट, कि अगर आपने अज्यूम किया कि बीसी पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, बीसी पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है एफ बी सी, ठीक है, एफ बी सी, ठीक है, देन दिस बीसी एलिमेंट विल बी अप्लाइंग एंड अ फोर्स अपोजिट टू दिस एफ बी सी, ठीक है ना, बट इन द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, इन द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक, सेम मैग्नीट्यूड से, ठीक है, सेम है, ठीक। इसी तरीके से आपका ए की बात करें, सॉरी बी ए जो एलिमेंट है, बी ए एलिमेंट जो है, ठीक है, बी ए एलिमेंट जो है, ठीक ठीक उस पे भी आप एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि उस पे क्या, एक कोई भी आप एज्यूम कर सकते हैं कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है एफ डी ए,
ठीक है, तो इधर भी एफ बी ए ही लग रहा है, सॉरी कंप्रेसिव लग रहा था ना उधर, तो इधर भी कंप्रेसिव लगेगा। ठीक है, अगर एफ बी बी ए एलिमेंट पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो ये बी ए एलिमेंट जो है, बी ए एलिमेंट जो है जस्ट इसके अपोजिट जॉइंट बी पे, जॉइंट बी पे अपोजिट फोर्स लगाएगा। ठीक है, अपोजिट फोर्स लगाएगा एंड दैट इज एफ बी ए। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में आप लोगों को? ठीक है, यस और नो? यस सर, ठीक है, अब आपके पास जॉइंट बी पे, जॉइंट बी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, जॉइंट बी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आपके पास है। ठीक है, ठीक, वो आपके पास है। ठीक, एक ये फोर्स लग रहा है, आर वी, आर वी, ठीक है, एंड वन फोर्स इज दिस वन, एफ बी ए, एफ बी ए। ठीक है, और ये एफ बी ए अगर आप देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ यहां पे 60 डिग्री एंगल बना रहा था। ठीक है, 60 डिग्री एंगल बना रहा था, तो इसको आप एक्सटेंड करिए भाई, एक्सटेंड करिए, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, ठीक, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 60 डिग्री, एंड नाउ यू हैव दिस एंगल। ठीक है, एफ एफ क्या, सॉरी, एफ बी सी। ठीक है, एफ बी सी। सो क्या करिए भाई, अब इसको रिजॉल्व कर दीजिए, रिजॉल्व कर दीजिए। क्या हो गया ये, इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया आपका, एफ बी ए, बी ए साइन 60, एंड दिस इज एफ बी ए कॉस 60। ठीक है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल। ठीक है, ठीक, तो एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखें, सो यू विल बी हैविंग एफ बी सी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी एफ बी सी इज इक्वल टू वॉट, एफ बी ए, एफ बी ए, बी ए कॉस 60, कॉस 60, दैट इज एफ बी सी इज इक्वल टू एफ बी ए बाय 2। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक, नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में आप बैलेंस करिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको दो फोर्सेस दिख रहे हैं, एफ आर बी एंड, सॉरी आर बी एंड एफ बी ए साइन 60, एफ बी ए साइन 60। सो वॉट, ठीक, सो एफ बी ए साइन 60 इज इक्वल टू वॉट, आर वी, आर वी। ठीक है, यू नो द वैल्यू ऑफ आर बी, आर बी की वैल्यू क्या है भाई, 7.5 किलोन्यूटन, एंड एफ बी ए साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2। ठीक है, सो एफ बी ए इज इक्वल टू 7.5 × 2 अपॉन √3, एंड दिस इज इक्वल टू 5 √3 किलो न्यूटन, एफ बी ए। ठीक है, ये आ गया आपका एफ बी ए, एफ बी
बी ए आ गया, ठीक है ओके ठीक है 5 3 ठीक। नाउ यू कैन इजिली सब्स्टिट्यूट दिस एफ बी ए इन दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड यू कैन फाइंड एफ बी सी एंड इट इज इक्वल टू एफ बी ए अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2.5 इंटू √3 ठीक है √3 ठीक ओके गुड ठीक है। तो ये तो हो गई एक जॉइंट की एनालिसिस। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, जॉइंट ए और सी को एनालाइज करना है ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको तो बहुत सिंपल था, ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा जॉइंट और निकालना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा जॉइंट की और एनालिसिस करनी पड़ेगी ठीक है। चाहे आप ए की कर लें चाहे सी की कर लें ठीक है। तो आपको एसी के अंदर आपको फोर्स मिल जाएगा, एसी के अंदर आपको फोर्स मिल जाएगा। एफ ए सी आपका 10 आया, 10 आ गया एफ ए सी ओके। आई डोंट नो द आंसर बट लेट्स सी चेक इट, वी विल चेक इट ओके। तो देखिए अब जॉइंट ए की बात करते हैं, जॉइंट ए की बात करते हैं तो जॉइंट देखिए ओके। ये भाई हमारा पॉइंट ए ठीक है, पॉइंट ए तो हमने ए पे क्या माना था भाई, ए पे हमने क्या माना था, कंप्रेसिव माना था ठीक है, कंप्रेसिव लोड लग रहा था ठीक है। तो अगर ए पे कंप्रेसिव लोड ए बी एलिमेंट पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है ठीक है। अच्छा एक चीज आपको और बतानी थी, एक चीज आपको और बतानी थी, और वो ये कि अगर आपने वो कोई भी आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप यहाँ कंप्रेसिव माने या टेंसाइल माने, अगर कंप्रेसिव माना है और आंसर जो आ रहा है आपका वो नेगेटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, देन दैट मीन्स यू हैव अज्यूम द राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन ठीक है ना। अदरवाइज अगर डायरेक्शन नेगेटिव आई है उसका मतलब आपको अगर कंप्रेसिव अज्यूम किया था तो आपको टेंसाइल अज्यूम करना पड़ेगा ठीक है। और अगर टेंसाइल अज्यूम किया था और नेगेटिव आ रहा है दैट मीन देर इज कंप्रेसिव ठीक है ना। तो आप डायरेक्शन कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है ठीक है। तो हमने डायरेक्शन सही अज्यूम की थी क्योंकि भाई यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो नेगेटिव नहीं आया है, नेगेटिव नहीं आया है, नेगेटिव नहीं आया तो दैट इज वेरी गुड। तो आइए भाई यहाँ पे भी करते हैं हम लोग अज्यूम। तो जब इस पे कंप्रेसिव ए बी पे कंप्रेसिव लोड लग रहा था एफ बी ए ठीक है एफ बी ए, तो ये पॉइंट ए पे के ए बी जो है एलिमेंट वो टेंस इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ठीक है, एफ बी ए एफ बी ए। एंड एक्सटर्नल लोड पी इज एक्टिंग जो कि 10 किलो न्यूटन है, 10 किलो न्यूटन का लोड तो लग ही रहा है, 10 किलो न्यूटन का लोड तो लग ही रहा है ठीक है। अच्छा जी अब बचा आपका मेंबर कौन सा, ये वाला ठीक है एसी, एसी ठीक है। तो एसी पे आप अज्यूम कर लीजिए भाई क्या कि उस पे भी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ठीक है, उस पे भी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ठीक है। लेट अस अज्यूम कि एसी पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स एफ एसी ठीक है। तो एफ एसी पे अगर एसी एलिमेंट पे आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू एफ ए सी एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, 30 डिग्री ठीक है ना, 30 डिग्री ठीक है ठीक ठीक ये 30 था तो ये भी 30 होगा ठीक है ठीक। अच्छा तो अब इसको आप बना लीजिए भाई यहां पर
यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है। तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं आपके? अच्छा जी, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि तो ये भी 60 डिग्री था, ठीक। सो 60 डिग्री पे एफ बी ए लग रहा है, एफ बी ए लग रहा है 60 डिग्री पे, एंड 10 किलो न्यूटन इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, 10 किलो न्यूटन, ठीक। एंड वन फोर्स, ठीक है, एफ एफ ए सी इज एक्टिंग अलोंग 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, ठीक है। सो यू कैन सी, यू कैन सी व्हाट एफ बी ए आपका पता था कितना था भाई, कितना आया? 5√3, 5√3, ठीक है, 5√3। सो 5√3 इसका कॉस कंपोनेंट 5√3 × cos 60, इट इज 1/2, ठीक है। एंड दिस इज इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया? एफ बी ए साइन 60, ठीक है, एफ बी ए 5√3 × √3/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15/2, 7.5, 7.5, ठीक। इसी तरीके से आपका ये कंपोनेंट हो गया, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ ए सी, एफ ए सी √3/2, एंड एफ ए सी 1/2, 1/2, ठीक है। तो आप समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 किया तो आपको क्या मिलना चाहिए भाई? 5/2√3 इज इक्वल टू एफ ए सी, एफ ए सी 3/2, √3/2, ठीक है। सो यू कैन सी कि कैंसिल हो गया, एफ ए सी इज इक्वल टू व्हाट? 5 किलो न्यूटन्स, 5 किलो न्यूटन्स। नाउ वैसे तो आपको अब एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 चेक करने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं निकल के आएगा, ठीक है, ठीक। सो बट फॉर योर कंफर्मेशन कि आपने आंसर सही निकाला है कि नहीं निकाला है, तो आप एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 रखिए, करिए, एंड यहां से आपकी जो वैल्यू आई है वहां से भी आप निकालिए एफ ए सी, आप देखेंगे कि वहां से आपकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। सो यू कैन राइट, यू कैन राइट You can write summation f y is equal to 0, and this is what? 5√3 × √3/2 plus f a c into 1/2. 1/2 है? No. Yes, 1/2. 1/2 इज इक्वल टू वॉट? डाउनवर्ड्स आपका 10 किलो न्यूटन लग रहा है, 10, ठीक है। सो दिस इज √3 √3 3 एंड इंटू 5 15 डिवाइडेड बाई 2, 7.5, 7.5 प्लस एफ ए सी, प्लस एफ ए सी 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। एफ ए सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 7.5, दिस इज 2.5, एंड एफ ए सी इज इक्वल टू वॉट? वॉट यू गेट? 2.5 × 2.5 × 2, इट इज 5 किलो न्यूटन, ठीक है, 5 किलो न्यूटन, ठीक है, ठीक। सो दिस इज हाउ यू गेट द आंसर, ठीक है, दिस इज हाउ यू सॉल्व द ट्रस्ट प्रॉब्लम्स यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट्स। मेथड ऑफ जॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए आप ऐसे ट्रस्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक। यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी आ रही है?
Mubashara, you replied in the chat box that FAC was 10. So please check it. Okay. You might have done some mistake somewhere. Take. ठीक है ठीक ओके नाउ यहां तक आप लोगों सबको क्लियर है। आरसी की वैल्यू आपने 5 लिया था इसलिए 2.5 आरसी ओके अब बस करते हैं हम ओके चलिए ठीक है वैसे टाइम अप हो ही गया है ठीक है कोई बात नहीं ओके ठीक है ट्राई टू सॉल्व दी वन मोर प्रॉब्लम प्लीज नोट इट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट्स ठीक है ना मेथड ऑफ जॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए आपको सॉल्व करना है ठीक है ठीक है You have to find the forces in every member. There are how many members? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 members are here. And you have to find the forces in all the 7 members. Okay? Try to find it. And we will discuss it in next class. Okay? Lagatar class mein thodi si dikkat hoti hai. Zyada ho jata hai. Okay? I know, mechanics सबका favorite subject नहीं होता। Yes, Nishant, you raised your hand. No, no, you raised your hand. Okay, चलिए कोई बात नहीं। Thank you. If you have any query, any doubt, you can ask. And if you do not have any query to ask, you are free to leave. You can leave. ठीक है? No queries, sir. Mechanics किसका favorite subject रहता है? Okay, I don't know. I don't know. Maybe Newton का राव, Newton का राव. Because he discovered ना classical mechanics. Okay. Yes. Okay. Tuba, somebody today I saw on the group that somebody has sent a MCQ, okay, for engineering mechanics. I don't know who is he, but somebody has sent a Excel sheet of. Of engineering mechanics, all units. Okay. So I looked at it. Yes, Mohammad Rajpura sent it. Mohammad Rajpura sent it. And it has a huge collection of MCQs. So, sir, chapter wise, chahiye. Okay. Okay. Theek hai. Wo bhi mil jayega. Theek hai. Okay. I will try. Take. 6 यूनिट का है सर वो कंबाइंड ठीक है चलिए आपको वो मिल जाएगा ठीक है ओके कोई टेंशन नहीं जो आने वाला है वो वही भेजना ठीक है चलिए ठीक है देखते हैं क्वेश्चन पेपर भेजूं मैं है अदनान अच्छा चलिए कोई बात नहीं आई विल क्या नाम है आई विल सेंड द क्वेश्चन ठीक है विद इन फ्यू डेज By the end of this week, I will send. Okay. Thank you. Please note this down and try to solve it.